नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हजार रातों में वो एक रात होती है। निगाह उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, मेरे लिए वही पल पूरी कायनात होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशि फल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे और ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। जो स्त्री का अपमान करता है वो माँ का अपमान करता है, जो माँ का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। आप भी तो सभी की इज्जत करते हो, पर आपका हमेशा अपमान होता आया है। पर चिंता मत करो, जो बिना मतलब के आपका अपमान करते हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। शतरंज का शौकीन नहीं है, इसीलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे और मैं अपनापन निभा रहा था। आप भी सभी के साथ अपनापन निभाते हो, पर दुनिया आपके साथ खिलवाड़ करती है। पर आप चिंता मत करें, आपका अच्छा जरूर होगा। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा केसरी और शुभ अंक रहेगा 8। आज आपके अधूरे जो काम है वो पूरे हो पाएंगे। काम करने के लिए आपका जुनून भी बढ़ेगा। अब तक आपके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के कारण आपका कार्य सिद्ध होगा और बेहतर उपलब्धि भी हासिल होगी। सफलता के कारण घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इससे शांति और खुशी का माहौल भी बना रहेगा। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। आय बढ़ने से आप खुले हाथों से खर्च करेंगे। भाग्य साथ रहेगा। कुछ परिस्थितियां बिना किसी प्रयास के आपके पक्ष में बनती नजर आएंगे। बहुत अच्छा समय है आज का। जो आप अपना कार्य करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो आप करना या पाना चाहते हैं वो आज आपको सुलभ हो सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव तरीके मिल सकते हैं। आज आपको आध्यात्मिक प्रगति करने का भी बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है। समय आपके साथ रहेगा। किसी भी चीज़ की आपको परेशानी भी नहीं आ पाएगी आज के दिन। मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों को आज ज़्यादा अनुकूलता हो सकती है। काम की गति जो है वो नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी, बस आप थोड़ी सी सुस्ती भी रहेगी। लेकिन हाँ, सितारे आज आपके पक्ष में बनते नजर आ रहे हैं। घर में किसी नई वस्तु की खरीदारी भी आज हो सकती है। इसके साथ ही आज मेहमान नवाजी में समय बीत सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान देंगे आप। आपके जनसंपर्क और भी ज्यादा मजबूत होते दिख रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही फायदा मिल सकता है इनसे। लेकिन अहम की भावना पर काबू रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। फिजूल खर्ची पर जरा आप लाइन लगा दीजिए। फिजूल खर्ची मत कीजिएगा, वरना क्या है, जो आपका जो बजट है, जो आपने बनाकर रखा था, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता नजर आएगा आपको। जिससे कि आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी वो तो स्वाभाविक है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, वरना जो वापसी है वो बहुत ही मुश्किल हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। आज का दिन आपके लिए खुद का कुछ काम शुरू करने का हो सकता है, यानी कि कोई नया काम अगर करना चाहते हैं डिफरेंट तरीके से तो वो भी करिएगा। अगर आप में कोई विशेष कला है, ज्ञान है, या आप अपनी किसी खूबी को करियर के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करने का समय है। आपको अपने लिए फिर से नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ सकती है। और ज़रूर सोचिए, यकीन मानिए आपका जो टैलेंट है आपको जो है इस करियर में बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है आगे जाकर। दिन आपके लिए लाभदायक फलदायक साबित हो रहा है। अपनी कोशिशों को जो है आज आप जारी ही रखिएगा। आज आप में से कुछ लोगों को जो है कई जगह से बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सकता है। मानसिक रूप से सुख शांति वाला समय रहेगा। आत्मविश्वास जो है और मनोबल में आपकी वृद्धि होगी। आपको अपने किसी हुनर के लिए प्रशंसा मिल सकती है। साथ ही में आर्थिक गतिविधियां भी अनुकूल रहेंगे आज के दिन। और हाँ, भावुकता और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका जो है बाकी लोग आज के दिन फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो उठाते हैं, लेकिन आज के दिन जरा संभल कर रहिएगा।
इसलिए जो है अपना व्यवहारिक नज़रिया जो है रखना ज़रूरी है। नया इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि जिस चीज़ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है। कहीं ये ना हो कि आपका पैसा कहीं पर फंस जाए, तो इस बात का आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के बिजनेस और क्रेडिट के बारे में। तो बिजनेस और क्रेडिट कहता है कि आज ऑफिस में माहौल व स्थितियाँ पक्ष में आपकी रहेंगी। राजनीतिक में महत्वपूर्ण लोगों से जो है संपर्क लाभदायक साबित होंगे। कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आज जॉब में मन भी नहीं लगेगा, आप थोड़े सुस्ती सुस्ती से रहेंगे, बोरियत भी महसूस करेंगे कि क्या है ये बोरिंग सा काम, ऐसा फील कर सकते हैं। नए काम की तलाश भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। व्यापार में विस्तार से रिलेटेड योजनाएं बन सकती हैं, काम कीजिए, बहुत अच्छा समय है, बढ़ा सकते हैं अपने व्यापार को। ऑनलाइन अगर व्यापार शुरू करते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा। राजकीय कार्यों में भी सफलता मिल सकती है, ऐसे योग नजर आ रहे हैं, उस पर सपना आपका पूरा होगा, ध्यान केंद्रित कीजिएगा। सरकारी सेवारत यानी कि जो सरकारी काम कर रहे हैं उन जो व्यक्ति हैं वो अपने काम काज पूरी गंभीरता से आज अंजाम दे पाएंगे। साथ ही में करियर के लिहाज से दिन आपको सफलता दिलवाने वाला भी हो सकता है। आप जो है अपने टारगेट्स को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। जो पेंडिंग काम था, काफ़ी दिनों से पहले रुका हुआ था, आप नहीं कर पा रहे थे, वो भी आज आप कर सकते हैं। पर याद रखिए, सुस्ती मत लाइएगा वरना आपका काम फिर से पेंडिंग पड़ सकता है। और अगर आप फिर से पेंडिंग काम पड़ गया तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है, तो इस बात का आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की और। तो लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के बीच में संतान की समस्या को लेकर तनाव जो चल रहा था, आज उसका कोई सलूशन निकलने से संबंध आपके द्वारा मधुर बनते नजर आएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ में प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ नज़र आ रही हैं। फ़ोन पर आप घंटों बातें लगे रहेंगे अपने प्रीतम के साथ। अरे ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं है, उन्हें मिलकर बातें कीजिए। आज जीवन साथी के साथ कोई तनाव वाली स्थितियां भी बन सकती हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा संभल कर भी रहना होगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय बढ़िया कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों में समस्याएं भी आ सकती हैं। समस्या इस तरह की होगी कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है आज बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो ध्यान रखिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब दो बीच विवाह करते हों तो तीसरे को मत लाइएगा, वरना मुश्किल आपके लिए ही होगी। घर परिवार में आपसे सौहार्द और प्रेम जो है वो माधुर्य बना रहेगा, लेकिन संतान की कई कई जो गतिविधियां हैं, कार्यकलाप है, उसमें जो है वो चिंता डाल सकते हैं। इनके बच्चे आज जो है इसमें आज कबाब में हड्डी बनेंगे, यानी कि तंग करेंगे बहुत ज़्यादा आपको, तो ध्यान रखिएगा। बाकी वैवाहिक जीवन का समय बहुत ही बढ़िया है आप में से कुछ लोगों के लिए। प्रेम संबंधों में समस्या थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, समय रहते सब कुछ सुलझ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि आज वायु विकार में कमर दर्द से रिलेटेड तकलीफें हो सकती हैं। उचित खान पान लें और साथ ही एक्सरसाइज भी कीजिएगा। अरे मैं तो रोज़ कहती हूँ एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने पर चीज़ों पर ध्यान रखिए, क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं और डाइट भी प्रॉपर नहीं लेते। अगर आप ऐसा करेंगे तो हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी ही क्यों। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेंशन मत लीजिए, किसी की चीज़ को बार बार मत सोचिएगा। घुटनों में दर्द हो सकती है बुजुर्गों को, अगर जोड़ों में कोई पुरानी समस्या है तो सावधानी हो बरतिएगा। बाकी लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही कीजिए, जो मर्जी खाई पी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। खाने पीने पर और एक्सरसाइज पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है कहीं पर आज चपातियाँ बनाकर दान करने चाहिए, किसी भी जगह पर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो आज आप अन्न का दान, आटे का दान कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक साबित होने वाला है। इसी के साथ ही अगर आप जो हैं कुछ गुप्त रूप से चढ़ावा भी चढ़ाते हैं कहीं पर, तो वो भी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।